आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं, यानी एक्सिस बैंक के लिए एटीएम अप्लाई करते हैं आप लोग तो उसके लिए आप लोग को एक फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, तभी आपको एटीएम कार्ड बन के आता है। तो इस फॉर्म को भरना सीखेंगे आज हम, तो आइए हम सीखते हैं और मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्लीज़ फिल द फॉर्म इन ब्लॉक लेटर ओनली, यानी इसका मतलब है कि जो भी आप इसमें भरेंगे वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फर्स्ट होल्डर, ठीक है, डिफ़िकल्ट ऑनलाइन रिवार्ड्स वैल्यू डिलाइट जो भी लिखा है। तो फिलहाल मुझे न्यू एटीएम कार्ड बनवाना है तो मैं यहाँ पर एटीएम कार्ड में टिक मार दिया हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर देना। उसके बाद है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो मेरा सेविंग है तो मैं सेविंग अकाउंट पे SB पे टिक मारा हूँ। अगर आपका करंट अकाउंट है तो CA पर मारेंगे, क्योंकि C से होता है करंट, A से अकाउंट होता है आपका जो भी हो, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ आप डाल देंगे। उसके बाद है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको पासबुक में ईजिली मिल जाएगा, अगर नहीं पता है तो आप बैंक में पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेंट नेम, जो भी आपका नाम है पूरा वो डाल देना है सही से, ठीक है। उसके बाद है आप यहाँ पर मदर का नाम, जो भी आपका मदर का नाम है वो मदर का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद है इमेज कार्ड, यानी आप इमेज पर अपना फोटो साइड में डालवाना चाहते हैं, मतलब ध्यान समझिएगा, मतलब आपका जो ATM बन के आएगा उस ATM पे आप अपना इमेज बनवाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यस पे टिक मारेंगे, अगर नहीं बनवाना चाहते हैं तो फिर नो पे टिक मारेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ द एप्लीकेंट, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, जो भी आपका हो। इसके बाद है यहाँ पर नेम एज डिसाइड ऑन द कार्ड, यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो डाल देना है, वो नाम डालना है जो सिर्फ 18 अक्षरों का ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम ऑफ 18 करेक्टर, यानी यहाँ पर 18 डब्बा ही बना है, वो आपको 18 डब्बा ही मतलब 18 अक्षरों का ही नाम होना चाहिए जो आप ATM कार्ड पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको नाम हो नाम लिख देना है, फिर एक डब्बा छोड़ करके जो भी आप कास्ट देते हैं वो कास्ट देकर फिर एक डब्बा छोड़ करके जो भी देते हैं वो डाल देना है, जैसे मैं यहाँ रोशन कुमार यादव, ठीक है, तो मैं इस यही नाम ATM कार्ड पर रखना चाहता हूँ तो ये लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 18 अक्षरों का नाम ही डालना है। उसके बाद यहाँ पर है SB करंट अकाउंट फर्स्ट, यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट पर वाला का भी, ज्वाइंट अकाउंट का जिसका है उसका भी अकाउंट नंबर डाल देना है, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है तो जो भी आपका खाता है सेविंग अकाउंट का वो डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा है ज्वाइंट होल्डर, अगर ज्वाइंट होल्डर का नाम नहीं है आपका यानी ज्वाइंट खाता नहीं है तो इन सबको सारा चीज़ को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, नीचे में आ जाना है, यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज, यानी इसके नीचे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो भी करेगा वो एक बैंक के कर्मचारी कर लेंगे सारा का सारा चीज़। सिर्फ यहाँ पर लिखा है रीज़न फॉर इशुएंस, यहाँ पर ATM यहाँ पर है ना फर्स्ट ज्वाइंट, तो यहाँ पर न्यू कार्ड वाले पर सिर्फ टिक मार लेंगे आप लोग, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लोग सेकेंड पेज पर आ जाएंगे, सेकेंड पेज पर आने के बाद यहाँ पर लिखा है प्लीज़ पेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ हेयर, यानी आपका जो भी फोटो हो यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देने का, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट होल्डर, जो भी आपका फ़ोटो हो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट होल्डर, ठीक है, यानी आप लोग जो भी करेंगे वो आप लोग साइन कर लेना, यानी साइन करेंगे तो आप लोग रेड पेन से नहीं करेंगे, या तो ब्लैक पेन से करेंगे या ब्लू पेन से करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर ज्वाइंट खाता है तो यहाँ पर ज्वाइंट खाता यहाँ पर साइन करेगा। ये सब करने के बाद इस सबको पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो, और नीचे आ जाना है आपको। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है डेट, जिस तारीख को इस फॉर्म को जमा करेंगे उस तारीख को आप यहाँ पर डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर साइन भी कर लेना जो साइन करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये होता है, तो आई होप कि आप समझ गएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोग हो आपके लिए, तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।